श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ी होती है विचारधारा की, नीति कार्यक्रम समझ आता है। लोग बैठे दिल्ली के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकार को गिरा रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे बातें इस पूरे मामले में यानी राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसमें अब ज़्यादातर बातें ऑफ द रिकॉर्ड होने लगी। सवाल ये है कि क्या पायलट के गेम में फंस गई बीजेपी? सचिन पायलट का ताजा बयान आया है आज, और इस बार उनके सूत्रों ने नहीं या उनके करीबियों की तरफ से ये बात नहीं आई है, खुद सचिन पायलट ने बात करते हुए कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। ये जो उनके बारे में बीजेपी में जाने की अफवाह फैलाई जा रही है, ये उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वो ये भी नहीं चाहते हैं, और उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि उनके समर्थकों को मंत्री बनाया जाए, ऐसी कोई उन्होंने मांग रखी। तो फिर सवाल ये है कि उनके पास परेशानी क्या थी? खैर, ये सवाल और वो क्या चाहते थे या अशोक गहलोत ने क्या किया, ये हरि अनंत हरि कथा अनंता है। सचिन पायलट कह रहे हैं वो कि बीजेपी जाना नहीं चाहते हैं, ये बातें सामने आ रही हैं कि अब कांग्रेस वो करेंगे क्या। दूसरी तरफ राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के अविनाश पांडे ट्वीट करके कहते हैं कि उनके लिए कांग्रेस में अब भी दरवाजे खुले हुए हैं। इस बीच एक और खबर आती है, वो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि ये बात सामने आ रही है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में एक बार बातचीत हुई, बैठक हुई, और उसमें ये भरोसा दिलाया गया, ये वादा किया गया सचिन से कि 5 साल के आखिरी 18 महीने वो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात का ऐलान अभी कर दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि अभी ऐलान कर दिया जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री है और कह दिया जाए कि बाद में होगा? तो ये नई खबर आई है कि उनसे पहले वादा किया गया था। चलिए, जो कहा गया किया गया वो सब बातें छोड़िए, अब सवाल ये है कि राजस्थान में क्या होगा। ताज़ा मसला ये हो गया है जहां संकट में फंस गए हैं। देखिए, अशोक गहलोत कमलनाथ नहीं है मध्य प्रदेश के, और सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं है राजस्थान के। अगर उनके पास संख्या होती तो आज खेल कुछ और होता। बीजेपी की तरफ जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो भी ऐसा नहीं होता। लोगों को लग रहा था कि राजस्थान कहीं दूसरा मध्य प्रदेश तो ना बन जाए, लेकिन वहाँ चीज़ें अलग थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग थे और इसी वजह से वहाँ सरकार पलट गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी अपने मिशन में कामयाब रहे। यहाँ उनके लिए पूरी बैटिंग यानी सचिन पायलट के लिए पूरी बैटिंग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। सचिन पायलट खुद बीजेपी नेताओं से तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन ज्योति सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मिल रहे थे, बात कर रहे थे और पूरा एक गेम प्लान बना रहे थे कि सचिन पायलट वैसा करेंगे और अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर निकले, वो मजे हुए राजनेता है। आप गौर करिए कि 7-8 महीने पहले उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। कल जब वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने गए थे तो उन्होंने 2 बड़ा काम किया था। 3 मंत्रियों को जो हटाने की बात थी डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ साथ, उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की चिट्ठी भी राज्यपाल को दे दी कि मेरे पास पूरा समर्थन है, ये विधायक हैं, ये उनके सिग्नेचर हैं। यानी अभी फ्लोर टेस्ट की बात ना आए इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है, इन सब पर यानी पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर, कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, और इन सब के घर पर ये नोटिस चिपका दी गई है और कहा गया है कि ये सब जयपुर आकर के 17 जुलाई की शाम 5 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने आकर बताएं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया है क्या, वो अपनी सफाई रखें। और इसीलिए सचिन पायलट का ये बयान बहुत मायने रखता है कि मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आज वो कह देते हैं तो साफ साफ एंटी पार्टी एक्टिविटीज में उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, और उनकी पार्टी के अधिकतर विधायक ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा अभी वो चुनाव में चले जाए। कुछ तो उनके पास ऐसे भी विधायक हैं जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी में जाए, वो सचिन पायलट के समर्थक हैं,
उनके साथ कांग्रेस में अन्याय हुआ ये मानते हैं, अशोक गहलोत ने उनकी नहीं सुनी वो मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं और लोकल कॉम्बिनेशन भी ऐसे नहीं है कि अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो अगला चुनाव वो जीत जाएंगे। और अभी तो 3.5 साल पड़े हुए हैं बाकी बचे हुए सरकार के, विधानसभा के, तो ऐसे में कौन चाहेगा कि वो जाएँ चुनाव में चले जाएँ। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सचिन पायलट अब क्या करेंगे, वो एक मझधार में फंस गए हैं, आसमान से लटके खजूर पर अटके। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल तक तो यही कह रहे थे कि उनका हार्दिक स्वागत है हमारी पार्टी में। ओम माथुर ने ये कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ के सांसद हैं और मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, उन्होंने साफ साफ कहा कि आपका स्वागत है। और एक और फैक्टर है, वो है महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या चाहती हैं ये बात अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि वो इस फैसले से नाखुश हैं और इस तरह के संकेत से भी वो नाराज हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी में लिया जाए। आज एक बैठक होनी थी जयपुर में बीजेपी ऑफिस में, और इसके लिए वहां के नेताओं ने वसुंधरा राजे सिंधिया को फ़ोन भी किया था, लेकिन वो नहीं आई। वो धौलपुर में हैं और आज 11 बजे जो बैठक होनी थी वो हो नहीं पाई। अब वहाँ के नेता गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि बैठक होनी थी, किसी वजह से टल गई। यानी मामला फंसा हुआ है बीजेपी के घर में भी, और वसुंधरा राजे की अनदेखी करके राजस्थान की बीजेपी में कोई फैसला नहीं हो सकता है, इस बात का एहसास पार्टी के यानी बीजेपी के आलाकमान को भी है। आपको याद दिला दूं कि जब वो मुख्यमंत्री थी तब अमित शाह वहां पर प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र शेखावत को बनाना चाहते थे, महारानी अड़ गई, 71 दिन तक वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली रही, लेकिन अमित शाह वसुंधरा राजे के मना करने पर अपने चॉइस के नेता को वहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनवा पाए। तो ये है वसुंधरा राजे सिंधिया की वहाँ राजनीतिक हैसियत और ताकत भी। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के कुछ बीजेपी विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बीजेपी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्री और उड़ीसा से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान में हालात को कंट्रोल में किया जा सके और अशोक गहलोत की सरकार गिर सके, इसका पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मध्य प्रदेश में वो ये काम कर चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हालात MP और राजस्थान के बड़े अलग हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट में भी फ़र्क है, अशोक गहलोत और कमलनाथ में भी फ़र्क है। अशोक गहलोत जादूगरी करते रहे हैं, पहले यही काम करते थे। माली बिरादरी का अशोक गहलोत बड़े मजे हुए नेता हैं, वो एक एक करके अपने आसपास के सभी मजबूत नेताओं को कमज़ोर कर देते हैं और फिर उनका वर्चस्व बना रहता है। उन्होंने सचिन पायलट को ऐसे हालात में खड़ा कर दिया, उन्होंने खुद मौका दिया कि सचिन पायलट धीरे धीरे दूर होते जाएं। उन्होंने मौका दिया कि आप दिल्ली जाएं, अपनी बात कहते रहें, उनको कॉर्नर करते रहें, और एक ऐसी हालत आ गई जहां कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट के खिलाफ कड़े फैसले लेने पड़े। जबकि सबको पता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल प्रियंका का नाम मैं फिर से लेना चाहता हूँ, इन दोनों के बहुत करीबी रहे सचिन पायलट, दोनों दिल से पसंद करते हैं, दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बावजूद भी अशोक गहलोत अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। तो आज की तारीख में हालात ये हैं कि सचिन पायलट की गेम में बीजेपी फंस गई सी लगती है। कल को हालात बदल जाएं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में उठा पटक चलता रहता है और तस्वीर बदलती रहती है, जैसे उसमें रंग नए नए पड़ते हैं तस्वीर का कैनवास भी बदल जाता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अब भी पायलट की प्लेन कहाँ लैंड करेगी ये खुद पायलट को ही यानी सचिन पायलट को ही पता नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।